Welcome guys, in our previous video we have already discussed about the basics and how to apply the failure theories and fundamentals of the failure theories and the machine designing. Okay, so now we move on to the actual machine designing. So we'll be starting with the shafts and keys. How do we design the shaft and how do we design the keys? Okay, so in this video we are going to discuss them both, shaft and the related elements. Okay, so before starting the shaft design, we must know what is a shaft. Okay, so shaft kya hota hai basically? Shaft is a rotating member which is usually circular. It is not compulsory that it has to be circular, but it is usually circular and it transmits the power with the help of a gear, pulley, flywheel, crank or something. Okay, so shaft apna jo basically rotating member hai, theek hai? It can be circular, usually circular hota hai, but dusra bhi कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है नॉन सर्कुलर भी, दो दीज आर नॉट पॉपुलर. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आदर गियर यूज़ करेंगे या फिर हम लोग पुली यूज़ करेंगे, कुछ और फ्लाई व्हील यूज़ करेंगे, तो उस टाइप की चीज़ें यूज़ करके हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपनी पावर को ट्रांसमिट करेंगे. ओके, यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट एक्सल. वट इज एक्सल? एक्सल इज सिमिलर टू शाफ्ट, सो इट विल बी ट्रांसमिटिंग द लोड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट इट इज़ ए नॉन रोटेटिंग मेम्बर. ओके, सो एक्सल इज ए नॉन रोटेटिंग मेंबर. फैन जो अपनी शाफ्ट है, इट इज यूज टू ट्रांसमिट द टॉर्क. बेसिकली टॉर्क को ट्रांसमिट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जबकि जो एक्सल होता है दैट ओनली सपोर्ट्स. ठीक है, तो जो अपने हॉर्स कार्ट वगैरह रहते थे, हॉर्स कार्ट वगैरह के टाइम पे एक्सल्स यूज किया जाता था, तो एक्सल के ऊपर अपना व्हील माउंटेड होगा, तो व्हील ओनली विल बी रोटेटिंग, एक्सल विल नॉट रोटेट. ओके, तो एक्सल को जो होगा अपने एक नॉन टॉर्क कैरिंग एलिमेंट होता है, तो देर इज नो टॉर्क ऑन ए एक्सल. मतलब उसका बेसिक मीनिंग यही है, जो अपने वर्ड का जो मीनिंग है, राइट. अभी यूजुअली वो चेंज भी हो गया, काफ़ी लोग एक्सल वैसे भी यूज़ कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट इट्स एग्जैक्ट मीनिंग. ओके, हाउ डू वी ट्रांसमिट द टॉर्क? वी एज आई सेड वी कैन यूज लाइक गियर, वी कैन यूज पुलीज, वी कैन यूज फ्लाई व्हील, वी कैन यूज क्लच. ऑल दीज थिंग्स विल बी यूज to transmit the power from one point to another point. Okay, fine. And when we are transmitting the torque or when we are transmitting the power from one point to another point, we need to remember one thing, that there will be some reactions or the load will get generated. So in case of a gear, there will be transverse load, there will be axial load, there will be radial loads. Is type se depending upon ki humne kaun sa element use kiya hai, usse associated kuch लोड से जनरेट होंगे एंड दोज लोड विल बी कैरीड बाय द बियरिंग. ओके, तो मतलब जैसे गियर से वो लोड अपना शाफ्ट पे ट्रांसमिट होगा एंड शाफ्ट से वो जो लोड है अपना बियरिंग के ऊपर ट्रांसमिट होगा, तो इन द एंड जो होता है लोड अपना बियरिंग कैरी करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. नाउ गियर कैन बी स्पर गियर, हेलिकल गियर, बीवल गियर, दैट विल डिस्कस इन डिटेल लेटर. ओके, पुली वगैरह का अपने को ज़्यादा डिस्कशन कुछ करना नहीं, फ्लाई व्हील ऑल्सो विल डिस्कस लेटर. ठीक है, नाउ हाउ एग्जैक्टली डू वी डिज़ाइन द शाफ्ट फॉर ए स्ट्रेस, क्योंकि हम तो यहाँ पे स्ट्रेस की बात करेंगे. ओके, तो स्ट्रेस के लिए हम शाफ्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. फाइन, तो एज वी हैव सेड, मतलब हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था पहले, काफ़ी पहले जो फर्स्ट वीडियो था, इन देयर वी हैड टेकन वन एग्जाम्पल वेयर इन वी सेड कि मोटर से जो है अपना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू ए कपलिंग टू द शाफ्ट. ओके, तो जो शाफ्ट है, सिंस इट इज़ कैरिंग द टॉर्क, देर इज गोइंग टू बी ए सियर स्ट्रेस ऑन इट. ठीक है, तो जो टॉर्क होगा वो अपना सियर स्ट्रेस जनरेट करेगा शाफ्ट के ऊपर. सिमिलरली देर विल बी सम नॉर्मल स्ट्रेसेज ऑल्सो, वो कहाँ से आएंगे? नॉर्मल स्ट्रेस अपना आएगा बेंडिंग से. अब बेंडिंग कहाँ से आ गया इसमें बीच में? बिकॉज वी हैव पुट ए गियर और पुली और जो भी हमने एलिमेंट लगाया हुआ है उसके ऊपर कुछ ट्रांसवर्स रेडियल लोड्स होंगे एंड उन ट्रांसवर्स एंड रेडियल लोड्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा और उस बेंडिंग मोमेंट के वजह से जो है अपने नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होंगे किसी भी शाफ्ट के अंदर. ठीक है, तो हाउ डू वी डू दैट? बेसिकली वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल सेक्शन. ठीक है, सबसे पहले हमको जो क्रिटिकल सेक्शन आइडेंटिफाई करना होता है. अब क्रिटिकल सेक्शन किसे बोलते हैं? क्रिटिकल सेक्शन विल बी द सेक्शन वेयर मैक्सिमम स्ट्रेस इज देयर. ओके, द एलिमेंट विच इज अंडर मैक्सिमम स्ट्रेस दैट विल बी नोन एज क्रिटिकल सेक्शन. तो हम लोगों को क्रिटिकल सेक्शन आइडेंटिफाई करने एंड फिर वहाँ पे हम लोग उसका डिपेंडिंग अपॉन की स्ट्रेंथ कितनी उस पर्टिकुलर मटेरियल की, वी आर गोइंग टू डिसाइड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. शाफ्ट डिजाइनिंग इज बेसिकली अबाउट डायमीटर एंड द लेंथ ओनली. ओके,
एंड यूजुअली क्या होगा, देर विल बी टू प्लेन्स हेयर. हम दो प्लेन्स की बात करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, सो इट विल बी क्लियर विद द एग्जाम्पल. एंड वी विल बी मेकिंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन बोथ दीज प्लेन्स, वन इन वन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वन वर्टिकल प्लेन. ठीक है, तो एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में दोनों में हम लोग बी एम डी बनाएंगे, देन वी विल टेक द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम देयर. वहाँ से इक्विवेलेंट लेंगे एंड टॉर्क को और बेंडिंग मोमेंट को यूज करके देन वी कैन डिजाइन अवर शाफ्ट. ओके, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं. नाउ इफ लेट्स से इन द क्रिटिकल सेक्शन द बेंडिंग मोमेंट इज एम. ओके, तो जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो गया दैट इज ऑफ एम, एंड जो अपना टॉर्शनल मोमेंट है या फिर जो टॉर्क दो कैरी कर रहा है वो पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज टी. ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट अगर एम होता है, टॉर्क अगर हमारा टी होता है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज टू थिंग्स हियर. वन इज ऑल्टरनेटिंग, राइट, ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, एंड अनदर इज मीन स्ट्रेस. ठीक है, तो सिमिलरली हमारा टॉर्क का एंड इसका मोमेंट का दोनों के ऑल्टरनेटिंग कॉम्पोनेंट्स भी होंगे एंड दोनों के ही मीन कॉम्पोनेंट्स भी होंगे. ठीक है, और हम दोनों के हेल्प से दोनों स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे. यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हम लोग यहाँ पे सिग्मा ए कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नॉर्मल ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस. तो वहाँ कहाँ से आएगा, बेंडिंग मोमेंट से आएगा. यानी कि जो ऑल्टरनेटिंग बेंडिंग मोमेंट होगा एम वाई डिवाइडेड बाई आई से आएगा, राइट. सिमिलरली ऑल्टरनेट स्ट्रेस जो सीयर स्ट्रेस होगा टाउ ए, दैट विल कम फ्रॉम टॉर्क, यानी कि टॉर्क ए टी आर डिवाइडेड बाई जे, यहाँ से आएगा अपना. ठीक है, सिमिलरली जो है हम लोग ये तो अपना ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेसेज, ऑल्टरनेटिंग वैल्यूज, राइट. सिमिलरली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गेट द मीन स्ट्रेसेज ऑल्सो. मीन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सिग्मा मीन इज इक्वल टू एम मीन वाई डिवाइडेड बाई आई, एंड टाउ मीन इज इक्वल टू टॉर्क, मीन जो टॉर्क अपना टी आर डिवाइडेड बाई जे. यहाँ से जो मैं है सारी के सारी मीन वैल्यूज एंड ऑल्टरनेटिंग वैल्यूज कैलकुलेट कर लूँ. नाउ आई एम हैविंग टू कंपोनेंट्स इन माई ऑल्टरनेटिंग वैल्यू एंड टू कंपोनेंट्स इन माई मीन वैल्यू. सो एज आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, वी यूज समथिंग कॉल्ड एज डी ई गुडमैन टाइप की चीज़. मतलब दो थ्योरीज को हमें यहाँ पे कंबाइन करना, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज द डी ई विच इज आवर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी. यानी कि पहले मैं वॉन मायसिस थ्योरी यूज करूँगा, अगर नहीं भी मैंशन है देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू यूज द वॉन मायसिस थ्योरी, अनलेस कि उसने कोई दूसरी थ्योरी मैंशन कर रखी हो. ठीक है, तो वॉन मायसिस थ्योरी क्या बोलती है, वॉन मायसिस थ्योरी की हेल्प से सिग्मा वॉन मायसिस ऑल्टरनेटिंग अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, यानी कि वो अपना सिग्मा ए एंड टाउ ए इन दोनों की हेल्प से कैलकुलेट होगा, राइट. तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई कुछ नहीं है, जेड कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी. देर विल बी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. अगर मैं एक ही एक्सिस की बात करूँगा तो उसके लिए खाली बोल रहे हैं, बाकी जहाँ पे अलग एक्सिस को अकाउंट में लेने की जरूरत होगी वहाँ पर ले लेंगे, है ना. ये अपना हो जाएगा सिग्मा वन माइसिस, राइट, ऑल्टरनेटिंग वैल्यूज. तो यहाँ पे मैं इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दूंगा फिर फाइनली, है ना. तो ये अपना हो जाएगा एम ए वाई अपॉन आई स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स टी ए आर अपॉन जे. एंड सिमिलरली आई कैन राइट द इक्वेशन फॉर मीन स्ट्रेस ऑल्सो. तो मीन स्ट्रेस भी मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स मतलब अपना और इसका सॉरी मीन का प्लस थ्री टाइम्स टॉ एक्स, इसका भी जो मीन कंपोनेंट है दोनों का, है ना. यानी कि यहाँ पे जो मैं इक्वेशन लिखूंगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू मीन बेंडिंग मोमेंट एज वेल एज अपना मीन टॉर्क. ठीक है, तो ये जब मेरे को दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे, नाउ आई हैव द ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस एज वेल एज आई हैव द मीन स्ट्रेस, एंड उस मीन स्ट्रेस और ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस को मैं जो भी, जैसा अगर गुडमैन के साथ यूज करना था आई विल अप्लाई द गुडमैन इक्वेशन हेयर, और अगर मेरे को गर्वर के साथ यूज करना था आई विल अप्लाई द गर्वर इक्वेशन हेयर. यानी कि फाइनल अगर जैसे लेट्स से मेरे को गुडमैन अप्लाई करना होता, ठीक है, तो गुडमैन के केस में मैं क्या बोल दूंगा कि सिग्मा वी ए डिवाइडेड बाई एस ई प्लस सिग्मा वी एम डिवाइडेड बाई एस यू टी इज इक्वल टू वन बाई एन. ओके, और अगर मेरे को यहाँ पे ये के एफ एंड के एफ एस अगर ये दो फैक्टर्स भी यूज़ करने हो, फैटिक फैक्टर, तो आई नो कि के एफ जो आता है मेरा सिग्मा वी के साथ में आएगा ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस के साथ में. नहीं ठीक है, यहाँ नहीं रखेंगे इसको. ओके, आई विल शो यू हाउ टू यूज़ द के एफ एंड के एफ एस. के एफ बेसिकली हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के साथ यूज़ करेंगे, एंड के एफ एस जो हम लोग सीयर स्ट्रेस के साथ यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जहाँ पे वो वैल्यूज होंगी वी आर गोइंग टू डू दैट. कैसे करेंगे अभी देखो जरा इसको. तो इन केस ऑफ ए फुली रिवर्स्ड जो अपनी साफ्ट होगी, फुली रिवर्स्ड लोडिंग जिस पे हो रही होगी साफ्ट पे, ठीक है, तो फुली रिवर्स्ड लोडिंग का मतलब क्या है कि जो मेरा बेंडिंग मोमेंट है वो
कंप्लीटली रिवर्स हो रहा है ना, कंप्लीटली साइनोसॉइडल वेव फॉर्म कर रहा है, तो उस केस में मेरा मीन जो बेंडिंग मोमेंट है दैट विल बी जीरो, एंड ऑल्टरनेटिंग जो बेंडिंग मोमेंट है वो अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा उसके वैल्यू के बराबर होगा। सिमिलरली उस पर इसी फुली रिवर्स लोडिंग में जो टॉर्क है अपना टॉर्शनल मोमेंट दैट इज़ कॉन्स्टेंट, यानी कि टॉर्क मीन उसकी जो वैल्यू को टी जो हमने ले रखा होगा उसके बराबर होगी, एंड टॉर्क ऑल्टरनेटिंग वैल्यू विल बी जीरो। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का जो है अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर। नाउ हाउ डू वी डू दैट, कैसे कर देंगे अब इस चीज़ को? अगर मैं ये चीज़ ऊपर अप्लाई कर दूँ तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज जो मेरा यहाँ पे सिग्मा मीन जो था वो जीरो हो जाएगा, एंड टाउ ऑल्टरनेटिंग जो था वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये दो वैल्यूज यहाँ पे जीरो हो गई, तो फाइनली जो मेरे को मिलेगा ना सिग्मा वन मिसेज ऑल्टरनेट। ठीक है, तो जो ऑल्टरनेटिंग वाला पार्ट है उसके अंदर केवल मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर बच गया है ना, और स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर को तो रिमूव कर ही सकते हैं वहाँ से, यानी कि आई कैन से इट विल बी इक्वल टू एम ए या फिर 32m डिवाइडेड बाई पाई डी के, राइट। ये मेरा हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस, एंड सिमिलरली जो मेरा मीन स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 16t जो भी मीन वैल्यू अपनी डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू। ये अपना हो जाएगा टॉर्क की वजह से जो मीन स्ट्रेस निकल गया। ठीक है, इन दोनों स्ट्रेसेस को मैं अगेन आई विल बी यूजिंग द गुडमैन इक्वेशन फॉर देम, एंड नाउ हेयर आई कैन से बिकॉज सी दिस इज ए अच्छा इंटू रूट थ्री भी होगा, इंटू रूट थ्री कहाँ से होगा, ये ऊपर वाले फॉर्मूले में डाल के अपन इसको कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको डाल दूंगा, सॉरी अगर मैं इस फॉर्मूले में डाल दूंगा कि सिग्मा की वैल्यू तो जीरो है एंड टाउ का एक्सप्रेशन मैंने डाल दिया तो रूट थ्री केवल एक्स्ट्रा है बाहर में, तो रूट थ्री इंटू 16 टीम डिवाइड बाई पाई डी क्यू। ठीक है, और अगर मेरे को स्ट्रेस कंसंट्रेशन यूज करना होगा, इफ दे मेंशन एनीथिंग अबाउट द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो मैं फिर स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी लगा दूंगा, यानी कि ये केवल मेरा क्या है ऑल्टरनेटिंग वैल्यू, यानी कि यहाँ पे के एफ आ जाएगा, और ये मेरा जो है सीयर वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पे मेरा के एफ एस आ जाएगा इसके साथ में। ओके, तो वो इक्वेशन कैसे आ रही है उसके लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से हेयर कि मेरे पास में यहाँ पे एक शाफ्ट है, द शाफ्ट इज कैरिंग द लोड, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस टू गियर्स जो रेड कलर के दो बनाए हुए हैं हमने यहाँ पे, वो अपने दो गियर्स हैं, लेफ्ट साइड वाला लेट्स से गियर नंबर वन है और राइट साइड वाला अपना गियर नंबर टू है। ठीक है, नाउ गियर वन पे जो है हमको उसने ट्रांसवर्स लोड एंड द रेडियल लोड इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस का बता दूँ तो ये हमने इसको एक्स डायरेक्शन अज्यूम किया है, ये वाई डायरेक्शन है, एंड ये जो थर्ड डायरेक्शन है दैट इज योर जेड डायरेक्शन। ओके, तो गियर वन पे द रेडियल लोड इज 197 न्यूटन एंड द ट्रांसवर्स लोड इज 540 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट कैन बी लर्न इन द गियर सेक्शन, मतलब गियर सेक्शन में इसको लर्न करेंगे। तो यहाँ पे फुल फ्लेजेड एग्जांपल नहीं लिया, डायरेक्टली अज्यूम कर लिया कि ये वैल्यूज अपने को दे रखी हैं क्वेश्चन में। ओके, देन जो गियर टू है अपना, ठीक है, तो वहाँ पे एक रेडियल लोड लग रहा है 885 का, एंड जो ट्रांसवर्स लोड लग रहा है दैट इज FT2, लेट्स से कि हमको नहीं दे रखा है वो। ओके, तो हाउ डू वी कैलकुलेट दैट, वो भी चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं कि इस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों गियर्स का डायमीटर दे रखा है, D1 इज 1200 mm, D2 इज 266.5 है। ये वैल्यूज मैंने रैंडमली ले ली हैं, तो डोंट गो कि ये वैल्यूज ऐसे कैसे हैं। ठीक है, बस क्योंकि कंसेप्ट बताना है, सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को वो अपने को बताना है। नाउ वी हैव टू डिजाइन द DE सेक्शन, जो अपना गियर टू के नीचे जो शाफ्ट है दैट सेक्शन वी नीड टू डिजाइन ओवर हेयर। ओके, एंड इस सेक्शन को डिजाइन करने के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई द कि इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है, इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, एंड एवरीथिंग। ओके, सो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि क्रिटिकल सेक्शन आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पॉइंट जो है, जैसे यहाँ पर अपन ने डिफरेंट डिफरेंट ABCDE पॉइंट्स जो डिनोट किए हुए हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा क्रिटिकल है, और फिर उसके बेस पर उस चीज़ को डिजाइन करो। ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टीज दे रखी है, SU 680, SE 270, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेना, गुडमैन इक्वेशन यूज़ करनी है, और KF और KFS दोनों यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज 1.7 एंड 1.5। ठीक है, नाउ हाउ डू वी मूव अबाउट इट, इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहला अपना पॉइंट क्या होगा कि मेरे को क्या चाहिए, इधर स्ट्रेसेज चाहिए, तो स्ट्रेसेज के लिए मेरे को क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट चाहिए एंड टॉर्क चाहिए, राइट। तो जो सबसे पहला मेरा पार्ट है दैट इज़ टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एंड द टॉर्क वैल्यू, ये दो चीज़ें मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ओके, और फिर क्या कैलकुलेट करना है,
बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को रिएक्शंस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. अच्छा, रिएक्शंस कहाँ आएंगी? ये जो अपना पॉइंट ए और पॉइंट एफ है, दीज आर एक्चुअली बियरिंग पॉइंट्स. ठीक है, ये यहाँ पे बनाया नहीं मैंने, दैट इज़ माई बियरिंग पॉइंट हियर. ठीक है, तो उस बियरिंग के ऊपर रिएक्शंस आएंगे. ठीक है, तो पॉइंट ए पे एंड पॉइंट एफ पे कितने रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट आई नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट. ठीक है, उन रिएक्शंस के बाद में आई कैन कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एंड आई कैन कैलकुलेट द टॉर्क. और एक बार बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्क आ गया तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द स्ट्रेसेस और फिर मैं गुडमैन उसमें अप्लाई कर सकता हूँ सिंपली. फाइन, हाउ डू आई कैलकुलेट द टॉर्क? क्योंकि टॉर्क थोड़ा ईजी है, तो टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे इधर हम? तो देखो, टॉर्क के लिए हमको क्या करना है. आई नो दैट देर इज अ ट्रांसवर्स लोड ऑफ 540 ऑन गियर वन एंड द रेडियस ऑफ गियर वन इज 1200 डिवाइडेड बाई 2. तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इस 540 को नीचे शिफ्ट करूँगा यानी कि सेंटर पे, तो इट विल बी गिविंग मी ए टॉर्क. और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? द टॉर्क विल बी इक्वल टू 540 मल्टीप्लाइड बाई 1200 डिवाइडेड बाई 2. ये जो यूनिट इसकी आई है दैट इज़ इन न्यूटन एमएम, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 324 न्यूटन मीटर. ठीक है, 324 का न्यूटन मीटर जो टॉर्क है दैट इज ऑन द गियर वन. नाउ इफ यू लुक क्लोजली ऑन गियर टू, देर हैज टू बी ए फोर्स, दैट ट्रांसवर्स फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. मीन्स गियर वन से अगर मेरा टॉर्क आ रहा है तो गियर टू उस टॉर्क को ले जाएगा. हम अभी टॉर्क का डायग्राम बना के देख लेंगे उसको. ठीक है, तो देयर आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ टी टू बिकॉज टॉर्क हैज टू बी बैलेंस्ड देयर. ठीक है, तो टॉर्क को बैलेंस करने के लिए भी क्या होगा? एफ टी टू इंटू उसकी रेडियस, तो वो सेम टॉर्क होना चाहिए. तो दिस टॉर्क वैल्यू 324 जो न्यूटन एमएम है दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? एफ टी टू इंटू इसकी जो रेडियस है यानी कि 266.55 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में जो एफ टी टू की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक आई थिंक 2431 न्यूटन. ठीक है, तो मेरे पास में एफ टी टू की वैल्यू आ गई है 2431 न्यूटन. ठीक है, अब मेरे पास में ये डायरेक्ट फोर्सेज जो गियर पे हैं वो तो कैलकुलेट हो गए, मेरे पास टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट हो गई कि गियर वन से गियर टू के बीच में कितना टॉर्क लग रहा है. ठीक है, कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द रिएक्शंस एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट एफ. तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई विल नीड टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, तो मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा. फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सी एट पॉइंट ए ऑल्सो देर विल बी टू रिएक्शंस. ठीक है, एक तो मेरी आएगी रिएक्शन यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, यानी कि जो इस रेडियल फोर्स की वजह से हो रही होगी, और एक मेरी आएगी जेड डायरेक्शन में यानी कि जो ट्रांसवर्स की वजह से होगी. आई कैन ऑल्सो टेक मतलब एक्सियल डायरेक्शन में, बट क्योंकि एक्सियल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वी आर नॉट कंसिडरिंग द एक्सियल लोड्स ऑन गियर, दैट इज वाई एक्सियल की करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो हो जाएगा मेरा. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज माई आर ए जेड वैल्यू. ओके, और वर्टिकल को मैंने बोल दिया आर ए वाई वैल्यू. ठीक है, सिमिलरली देर विल बी टू रिएक्शंस ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो. ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये होगा लेट्स से आर एफ वाई वैल्यू. ठीक है, एंड जो जेड डायरेक्शन में है दैट इज अवर आर एफ जेड. ठीक है, और अगेन जो एक्सियल डायरेक्शन की उसको तो वी कैन से इट इज जीरो बिकॉज दैट इज नॉट ऑफ अवर यूज. सिंपली कोई लोड है नहीं, तो एक्सियल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन भी नहीं जनरेट होगी. फाइन, नाउ व्हाट आई डू, आई बैलेंस दीज लोड्स इन टू डायरेक्शंस अगेन. सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू जीरो, एंड आई कैन ऑल्सो डू द बेंडिंग मोमेंट बैलेंसिंग. तो सिग्मा एम ए इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम एफ इज इक्वल टू जीरो, बट आई एम हैविंग टू डिफरेंट प्लेन्स हेयर. वन प्लेन इज अवर एक्स वाई प्लेन. ठीक है, यहाँ पे दो प्लेन्स हैं मेरे पास में, एक है मेरा एक्स वाई प्लेन. ठीक है, यानी कि जो मेरा रेडियल फोर्सेज को कंसिडर कर रहा होगा, आर ए वाई को कंसिडर कर रहा होगा. अनादर वन दैट आई एम हैविंग इज माई एक्स जेड प्लेन हेयर. ठीक है, तो मुझे इन दोनों प्लेन में सेपरेटली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. ओके, दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट सॉफ्ट डिज़ाइन. तो दोनों प्लेन्स में जब मैं सेपरेटली इक्वेशन लिखने वाला हूँ, ओके, सो व्हाट इट विल बिकम, इट विल गिव मी इफ आई से लेट्स से माय सिग्मा एम ए, बट इन विच प्लेन, लेट्स से आई एम कंसिडरिंग द एक्स वाई प्लेन फर्स्ट, वर्टिकल प्लेन. ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन इज इक्वल टू जीरो. तो सिग्मा एम ए इन द एक्स वाई प्लेन अगर मैं जीरो कर दूंगा, तो देखो आर ए वाई की वजह से तो कोई मोमेंट नहीं होगा यहाँ पे, राइट?
197 की वजह से मोमेंट होगा 197 into 200, फिर 885 की वजह से होगा 885 into जो भी डिस्टेंस है उसकी ऐसे, एंड आर एफ वाई की वजह से होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, फाइनली आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यूज एक्चुअली, तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन बन जाएगी 197 into 200, ठीक है, प्लस 885 की वजह से, तो 885 into 750 इज इक्वल टू जो भी मेरा यहाँ पे आर एफ वाई आ रहा होगा इंटू थाउजेंड, टोटल लेंथ 1000, तो यहाँ से द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग इज आर एफ वाई, सॉरी आर एफ वाई इज इक्वल टू 703.25, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज, मतलब समझ में आ जाएगा आपको इजीली, एक एग्जांपल करके देखोगे तो वहीं से चीज़ें सारी की सारी जो है अपनी क्लियर हो जाएगी अपने को, फाइन। नाउ आई विल डू व्हाट आई विल डू, आई विल से कि सिग्मा एम अबाउट एफ इन एक्स वाई डायरेक्शन, मतलब एक्स वाई प्लेन का ही ले रहा हूँ मैं, बट एफ की अबाउट कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा वहाँ से, आर ए वाई मिल जाएगा सीधा सीधा, ओके। तो उसके लिए मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 885 इस लोड से जो डिस्टेंस है दैट इज 250 प्लस 197 इंटू 800 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, आर ए वाई इंटू 1000, राइट। तो यहाँ से मेरे पास आर ए वाई हैज बिकम 378.85 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूँ, ये तो मैंने लिख दिया एक्स वाई प्लेन में इक्वेशन, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द इक्वेशन इन एक्स जेड प्लेन, ठीक है। एक्स जेड प्लेन यानी कि नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रांसवर्स लोड से, ठीक है। तो ट्रांसवर्स लोड को लेने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो 540 है अपना इधर, इस 540 को मैं सेंटर पे शिफ्ट करूँगा, राइट। तो एक इक्वल एंड अपोजिट में यहाँ पे लगा दूंगा 540 का, और उसमें एक तो मेरे को कपल मिल जाएगा, द कपल इज गिविंग राइज टू द टॉर्क वैल्यू, ठीक है, और मेरे को एक डायरेक्ट लोड मिल जाएगा। सिमिलरली मैं एफ टी टू के साथ करूंगा, तो एक इक्वल एंड अपोजिट लगाऊंगा, तो एक मेरे को टॉर्क मिल गया कपल विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन एज कम्पेयर टू एट गियर वन, और दूसरा मेरे को डायरेक्टली लोड मिल गया FT2, ठीक है। फिर वहाँ उस प्लेन में अगर मैं इस चीज़ को बैलेंस कर देता हूँ इक्वेशंस को, तो अगेन आई विल बी राइटिंग द इक्वेशंस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरा अभी, इफ़ आई बैलेंस द इट अबाउट एफ, तो सिग्मा एम एफ इन एक्स जेड प्लेन, इसको मैं अगर जीरो करूँगा, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2431 इंटू 250 माइनस, यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, माइनस 540 इंटू 800 इज इक्वल टू आर ए जेड इंटू 1000, ठीक है। और यहाँ से जो आर ए जेड की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 175.5 किलोमीटर, ओके। सिमिलरली व्हाट आई विल डू, आई विल से सिग्मा एम ए इन द एक्स जेड प्लेन इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो मेरी इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 540 इंटू 200, ठीक है, माइनस 2431, मैं डायरेक्ट भी वैल्यूज लिख देता बट आई एम राइटिंग द इक्वेशन सो दैट यू कैन कंपेयर इट, ठीक है, आर एफ जेड इंटू 1000, और यहाँ से मेरी जो आर एफ जेड की जो वैल्यू आ गई है दैट विल बी 1715.2 न्यूटन, ठीक है। तो ये वैल्यूज यू कैन राइट इट एंड यू कैन चेक दिस वैल्यूज की ठीक से आ रही है कि सारी नहीं आ रही। तो फाइनली आई एम गेटिंग दीज एज माई रिएक्शन वैल्यूज, ठीक है। तो मेरे को एंड पे रिएक्शंस मिल गए हैं, नाउ आई कैन मेक द फ्री बॉडी डायग्राम, ये होगी मतलब ये फाइनल जो है अपना, ये लोड्स लग रहे हैं मेरे साफ्ट के ऊपर जो साफ्ट को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो दो रिएक्शंस इधर हो गई एंड पे, ओके, एंड दो रिएक्शन हमारी इस एंड पे हो गई, ठीक है। बाकी एक अपना रेडियल एंड ट्रांसवर्स लोड दोनों की तरफ से, और हाँ टॉर्क भी आएगा ना इसके ऊपर, राइट। तो टॉर्क मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, ठीक है। तो इधर जो था मेरा मतलब पॉइंट बी पे यहाँ पे 540 जो था ये इस तरफ लग रहा था, राइट, 540, और इसके लिए हम लोगों ने ऐसा करके इसको बैलेंस किया था, और 2431 जो था वो इस तरफ लग रहा था और इसको यहाँ पे बैलेंस किया था, राइट। तो यहाँ पे देखो 540 का जो अभी मैंने रेड मार्क किया है इसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट हो रहा होगा इधर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का जो है एक टॉर्क मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, और इसका अपोजिट जो है टॉर्क वो यहाँ मिल जाएगा क्योंकि दोनों को बैलेंस ही होना है फाइनली, तो इसीलिए अपोजिट मिलेगा, ठीक है। ये टॉर्क मिल गया, टॉर्क की वैल्यू कितनी, द टॉर्क वैल्यू इज इक्वल टू कितना था, 324, राइट, 324
न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा हुआ है, ठीक है. नाउ आई मेक द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है. तो अगेन व्हाट आई विल बी डूइंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन टू प्लेन्स ओनली. एक बार मैं एक्स वाई प्लेन को कंसिडर करूँगा जिसमें मैं वर्टिकल लोड्स को लूँगा, फिर मैं एक बार एक्स जेड प्लेन को कंसिडर करूँगा, यानी जो हॉरिजॉन्टल लोड्स हैं उनको कंसिडर करूँगा, ठीक है. तो लेट्स से कि मैं पहले एक्स वाई प्लेन के लिए बना रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है. तो एक्स वाई प्लेन का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इफ यू कैलकुलेट दीज वैल्यूज वेरी इजी. तो इस पॉइंट पॉइंट ए पे जीरो होगा, ठीक है, पॉइंट ए पे जीरो होगा, फाइन. एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू दैट विल बी 75.77, ठीक है. तो पॉइंट बी पे आ गया हमारी कुछ वैल्यू 75.77. फिर सिमिलरली इफ यू कैलकुलेट द वैल्यूज एट ई, तो ई पॉइंट पे इसका वैल्यू आएगा 175.7, ठीक है. तो दिस विल बी 175.7, ओके. और फाइनली इस पॉइंट पे तो जीरो ही होना एफ पॉइंट पे, ठीक है. नाउ आई कनेक्ट ऑल ऑफ देम, तो ये जो है मेरा बेंडिंग मोमेंट, दोनों लाइन्स का स्लोप अलग होगा ना यहाँ पे, क्योंकि द लोड वैल्यू इज चेंजिंग, ठीक है. तो दिस इज माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है. यहाँ पे नाउ व्हाट आई डू कि जो नॉच पॉइंट था, जो यहाँ पे ये डी का जो नॉच पॉइंट था, मैं इस पे अलग से कैलकुलेट कर लूँगा, बिकॉज आई नो कि एट द नॉच देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रेस कंसंट्रेशन. और डी पॉइंट पर ई पॉइंट पे जो नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट बिकॉज ऑफ द नॉच एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन वैल्यू डी पे वो वैल्यू एक्चुअल में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे के एफ मल्टीप्लाई होगा एंड के एफ एस मल्टीप्लाई होंगे, राइट. दैट इज वाई आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट ऑल्सो, ठीक है. तो डी पॉइंट पर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इजीली कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है. तो दैट विल कम आउट टू बी 157.6, ठीक है. और ये वाला था अपना 75.77, ठीक है. ये अपना आएगा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है. नाउ सिमिलर थिंग आई एम गोइंग टू डू इन एक्स जेड प्लेन, ठीक है. एक्स जेड प्लेन में मैं करूँगा, एक्स जेड प्लेन में यानी कि आई एम गोइंग टू कंसिडर दीज लोड्स, दिस 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 एंड दिस, दीज आर एक्स जेड लोड्स, ठीक है. ये एक्स जेड के हैं अपने, ठीक है, ऊपर वाले एक्स वाई के थे. नाउ हेयर ऑल्सो अगेन यहाँ पे तो जीरो ही होगा इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है. अगले पॉइंट पे मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो दैट विल कम आउट टू बी 35.1, ओके. एंड यहाँ पे जो है ओके, ठीक है. तो अगेन इस चीज़ को जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो दैट विल बी ऑलमोस्ट ये 35.1 आ जाएगा. फिर पॉइंट ई पे मैं कैलकुलेट करूँगा, तो पॉइंट ई पे इट विल बी 428.8, ओके. एंड पॉइंट ई पे तो ये इस पे एफ पे जीरो, ठीक है. तो इनको मैं फिर से कुछ इस टाइप का मेरे को इधर जो है फाइनल बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम मिलेगा, ठीक है. वैल्यूज मैं सारी कैलकुलेट यहाँ पे कर ही सकता हूँ. इसके जो वैल्यू आ रही थी दैट इज 35.1, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी दैट इज 357.2, ठीक है. तो आई हैव गॉट ऑल दीज वैल्यूज ओवर हियर, ये सारी चीज़ें मेरे को मिल गई हैं फाइनली. नाउ व्हाट आई विल डू, डायरेक्शन तो सारी करेक्ट है, ठीक है. तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इन दोनों बेंडिंग मोमेंट का मेरे को इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है. और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कैसे बनाऊंगा मैं, इफ दिस इज माई एम एक्स वाई एंड इफ दिस इज माई एम एक्स जेड, देन आई विल से एम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, क्योंकि दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में, तो आई कैन डायरेक्टली एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, डायरेक्टली मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. और वहाँ से मेरे को जो है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा दोनों का, ठीक है. बट सिंस वी आर कंसर्न अबाउट पॉइंट डी ओनली, ठीक है, हमको डी पॉइंट पे ही कंसर्न है, तो मैं इसका पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल डी पॉइंट पर उसको कैलकुलेट कर लूँगा कितना होगा, ठीक है. सिमिलर चीज़ अगर मैं टॉर्क के लिए करता हूँ, तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देर इज़ नो टॉर्क, टॉर्क का कोई कपल नहीं लग रहा है उधर. फ्रॉम पॉइंट बी टू ई द टॉर्क इज कॉन्स्टेंट 324 न्यूटन मीटर, ठीक है. और ई पे जाकर रिवर्स हो गया, यानी कि नेट टॉर्क विल बिकम जीरो, और ई से एफ के बीच में फिर से कोई टॉर्क नहीं है, यानी कि आई कैन से द टॉर्क डायग्राम इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है 324 न्यूटन मीटर, ठीक है.
अच्छा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तुम लोग इस छोटी वाली दूसरी वाली नॉच पे भी निकाल सकते हो. इफ वी वर टू डिजाइन द पार्ट बी सी तो फिर हम लोग इस नॉच पे सी नॉच पे उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है. बट क्योंकि अभी हमें उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ही हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है. तो हम लोग पॉइंट डी के ऊपर अगर मैं देखूँगा यहाँ पे फाइनली, देन आई एम व्हाट आई एम गेटिंग हियर एट पॉइंट डी, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट. तो एट पॉइंट डी माई एम वैल्यू विल बी हाउ मच इट विल बी, इट इज 357.2 इन एग्जैक्ट डायरेक्शन प्लस एक्स वाई डायरेक्शन में कितनी 157.6 है. अच्छा यहाँ पे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है कि वाई वी आर नॉट गेटिंग सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई अलग अलग क्यों नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली रोटेटिंग, ठीक है. और हर पॉइंट पे जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इक्विवेलेंट मोमेंट निकालते हैं, फिर इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है. दो अलग अलग डायरेक्शंस की बात नहीं करते, एक्स वाई जेड हमने केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, ठीक है. उसके अलावा उसका कोई और पर्पज़ नहीं है. इफ़ यू कंसिडर द सिंगल एलिमेंट ऑन द शाफ्ट इट इज़ कंटिन्यूसली रोटेटिंग एंड उसके ऊपर वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, इस तरह का अपने को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा, ठीक है. तो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट जो है अपना दैट एक्टिंग ओवर हियर इज 390.42 न्यूटन मीटर का, ठीक है. एंड आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि जो टॉर्क एट डी होगा तो उसकी वैल्यू तो 324 न्यूटन मीटर है ये ऑलरेडी, ठीक है. तो नाउ आई नो द टॉर्क वैल्यू, नाउ आई नो द बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, तो आई कैन कैलकुलेट द स्ट्रेस वैल्यूज, राइट. बेंडिंग मोमेंट मिल गया मेरे को, टॉर्क मिल गया, तो फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट माई मोमेंट मीन वैल्यू इज जीरो बिकॉज इट इज कम्प्लीटली रिवर्सल ऑफ मोमेंट, ठीक है. मोमेंट ऑल्टरनेटिंग वैल्यू इज 390.42 न्यूटन मीटर, ठीक है. सिमिलरली टॉर्क मीन इज 324 क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, उसके ऊपर टॉर्क तो कंटिन्यूसली लग ही रहा है सेम तरीके से. टॉर्क ऑल्टरनेटिंग इज जीरो, ठीक है. ऑल्टरनेटिंग टॉर्क की वैल्यू जीरो, ये चीज़ तुम डायरेक्टली याद भी रख सकते हो किसी शाफ्ट के लिए, ये होगा कंप्लीट रिवर्सल शाफ्ट के लिए, ठीक है. नाउ आई अप्लाई द वन बाय साइड इक्वेशन, ठीक है. तो सिग्मा वन बाय साइड जब मैं मीन निकालूंगा तो सिंपल सी बात तो केवल इसकी वजह से आएगा जहाँ से शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, यानी कि रूट थ्री और बाकी को तो वही 16t/π/d³, ठीक है. सिमिलर जब मैं सिग्मा वन में से ऑल्टरनेटिंग निकालूंगा तो दैट विल बी 32 आई एम ऑल्टरनेटिंग डिवाइडेड बाई π/d³, ठीक है. और इन दोनों चीज़ों को मैं अभी यूज़ कर देता हूँ डायरेक्ट गुडमैन इक्वेशन यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है. तो गुडमैन इक्वेशन क्या बोलती है, गुडमैन इक्वेशन से कि वो सिग्मा मीन डिवाइडेड बाई SUT प्लस सिग्मा ऑल्टरनेटिंग डिवाइडेड बाई SE इज इक्वल टू 1/n, और अगर स्ट्रेस कंसेंट्रेशन है तो वो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा. तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज KF इंटू 32 MA डिवाइडेड बाई π/d³, ठीक है, और इंटू SE क्योंकि ये अपना ऑल्टरनेटिंग है, प्लस यहाँ पे क्योंकि शेयर स्ट्रेस लग रहा था तो आई विल बी यूजिंग KFS हियर, ठीक है. तो KFS इंटू रूट थ्री 16 TM डिवाइडेड बाई π/d³ इंटू इसमें क्या लगेगा SUT एंड दिस इज इक्वल टू 1/1.5 क्यों लिया, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड कि हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है दैट इज गोइंग टू बी 1.5, ओके. अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो दैट विल बिकम π/d³ डिवाइडेड बाई 1.5, यानी कि π/d³ को मैं उस तरफ ले गया दूसरी तरफ, बाकी सब इधर ही रखा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू अभी सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है. तो KF इज 1.7 इंटू 32 इंटू इसकी वैल्यू कितनी 390.420 क्योंकि न्यूटन MM में हम लोग ले रहे हैं इसको, डिवाइडेड बाई 270 ऐसी रेसियो टू की वैल्यू हम लोगों ने पहले बता दिया था कितना होगा. यहाँ पे 1.5 इंटू रूट थ्री इंटू 16 इंटू 324 0 डिवाइडेड बाई SUT यानी कि 680 आया था इसका वैल्यू, एंड ये हो गया अपना फाइनली, ठीक है. तो अभी 1.5 को भी इधर ले जाएंगे, d³ है पाई को भी इधर ले जाएंगे, तो मेरी d³ की वैल्यू निकलेगी मेरे को फाइनली, ओके. तो d³ विल कम आउट टू बी 47028.08 एंड ये क्या है MM³ में अभी इधर, तो इसको मैं अभी कन्वर्ट कर लूँगा, d इज इक्वल टू यहाँ पे ऑलमोस्ट इट विल बिकम 36 MM, ठीक. तो दैट इज अवर फाइनल आंसर.
कि एट द पॉइंट टी जहाँ पे स्ट्रेस कंसेंट्रेशन हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने क्रिटिकल चीज़ की बात करनी थी तो हम लोगों को स्ट्रेस कंसेंट्रेशन को अज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर मैं ई के हिसाब से भी कर रहा, मतलब दूसरे डायमीटर के हिसाब से भी, तो मोमेंट की वैल्यू में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उधर पॉइंट डी के पॉइंट ई के, टॉर्क तो ऑलरेडी सेम है, बट के एफ और के एफ एस से मल्टीप्लाई होकर डी का जो मोमेंट है दैट इज गेटिंग मच मच हायर एज कम्पेयर टू ई, दैट इज वाई डी पॉइंट इज मोर क्रिटिकल नॉट ई पॉइंट। ठीक है, तो फाइनली हेयर आई कैन कैलकुलेट द डायमीटर वैल्यू विच इज कमिंग आउट टू बी 36 mm। ओके, सो वेल दैट्स इट, दैट्स हाउ वी डिजाइन द शाफ्ट्स। हमें हमेशा दो डायरेक्शंस को अज्यूम करना होता है एंड देन ओनली वी कैन से कि किस डायरेक्शन में कितना मोमेंट आ रहा है एंड किस डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस लग रहा होगा। वहाँ से फिर वॉन माइसेस थ्योरी लगानी है एंड फिर गुडमैन या जो भी उसने मेंशन कर रखा होगा वो। तो यहाँ पे मैं फाइनली क्या बोल सकता हूँ, आई हैव यूज्ड द डी ई गुडमैन थिंग, यानी कि पहले मैंने डिस्टॉर्शन एनर्जी यूज़ करी, वॉन माइसेस थ्योरी यूज़ करी एंड उसके बाद में फिर मैंने गुडमैन थ्योरी यूज़ करी। गुडमैन की जगह कोई दूसरी थ्योरी भी यूज़ करने बोल सकते हैं, लेट्स से डी ई गर्वर हो गया, डी ए एस एम ई हो गया, डी ई सोडरबर्ग हो गया, कुछ भी हो यही करना अपने को फाइनली। ठीक है, वेल दैट्स इट एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।